देश की लगभग मंडियों में नई सोयाबीन की आवक शुरू हो चुकी है, पर अभी भी मंडियों में पुराने स्टॉक का सोयाबीन भी बेचने के लिए आ रहा है, जिसका प्रभाव सोयाबीन के मंडी भावों पर देखा जा सकता है। दरअसल बीते कुछ दिनों से सोयाबीन के भाव में लगातार गिरावट आ रही है। सोपा ने उधर अनुमान जताया है कि भारत का सोयाबीन आयात 2022-23 सीजन में 64% कम होकर 2 लाख टन रहने का अनुमान है। वहीं बीते तेल वर्ष में देश में सोयाबीन तेल का निर्यात और बिल दोनों बढ़ गया था। इस बार अच्छे उत्पादन कैरी ओवर स्टॉक को देखते हुए सोपा ने ये आंकड़े जारी किए हैं। देश ने 2021-22 सीजन के दौरान 5,55,000 टन सोयाबीन का आयात किया था। सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सोपा के अनुसार पिछले सीजन के 118,89,000 टन की तुलना में 2022-23 सीजन में सोयाबीन का घरेलू उत्पादन बढ़कर 120,40,000 टन होने का अनुमान है। यहां तक कि कैरी ओवर स्टॉक भी पिछले वर्ष के 1,83,000 टन की तुलना में 25,15,000 टन अधिक बना हुआ है। इस सीजन में सोयाबीन की कुल उपलब्धता 147,55,000 टन होने का अनुमान है, जो कि पिछले सीजन में 126,27,000 टन से अधिक है। दरअसल पिछले 2021-22 सीजन में 84 लाख टन की तुलना में इस सीजन में कुल सोयाबीन में से लगभग 100 लाख टन पेराई के लिए उपलब्ध होगा। वहीं दूसरी ओर अक्टूबर के अंत में मलेशिया का पाम ऑयल स्टॉक 5वें महीने के लिए बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और 3 साल के उछले स्तर पर पहुंच चुका है, क्योंकि उत्पादन में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। देश के पाम ऑयल बोर्ड के आंकड़े हाल ही में जारी हुए हैं। कार्गो सर्वेक्षकों के आंकड़ों से पता चलता है कि अक्टूबर के इसी सप्ताह की तुलना में 1 से लेकर 15 नवंबर की अवधि में दुनिया में सबसे बड़े उत्पादक मलेशिया से निर्यात 10.7% और 12.7% के बीच बढ़ा है। आपको बता दें कि सोयाबीन का भाव 5,300 से 5,700 रुपए और एवरेज 5,000 से 5,200 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास मंडियों में फिलहाल देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।